बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चने का सालन। इसको बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो चने लिए थे। इनको लेके मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था धो के, तो अब मैंने इनको सॉसपैन में डाला है। इसके साथ मैं 3 ग्लास जो है वो पानी के डालूँगी। आप इनको कुकर में पकाना चाहें कुकर में पका सकते हैं, मैं इसी में पकाऊंगी। जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे उसमें सबसे पहले मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के रखे हुए हैं, ये जाएंगे। एक मुट्ठी भर लहसुन है मेरे पास फ्रोजन है, ये जाएगा इसमें। एक टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा। दो टी स्पून इसमें नमक जाएगा। तीन फुल टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई सुरख मिर्च के। आप कम या ज़्यादा करना चाहें मिर्च या नमक तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब मैं इनको ढांप के आग मीडियम पे करके तो पकने दूंगी। चने गल जाएंगे तो फिर हम इसको भूनेंगे, बाकी फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि इसको क्या करना है। तो देखिए हमारे चने जो हैं वो गल गए अच्छे से और इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रखे हैं, ये डालूंगी। एक टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, हाथ से क्रश करके डाल दूंगी अंदर। मैं ऑलमोस्ट 1/4 कप जो है वो तेल का डालूंगी। अब हम इनको अच्छे से भूनेंगे। भूनते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी। चने का सालन अच्छे से भून गया है, इसमें मैं 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें डालूंगी। इसको थोड़ी देर भून के तो इसमें जितना आपने शोरबा रखना है उतना पानी डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा भूना है। हमारे चने बहुत अच्छे से भून गए हैं, ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है इन्होंने। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। आपने जितना शोरबा रखना है उसी हिसाब से इसमें पानी डालें। मैंने 2 ग्लास डाला है और मैं अभी 1 ग्लास इसमें और डालूंगी, उसके बाद फिर इनको पकने के लिए रखेंगे। इनको पकने के लिए रखते हैं थोड़ी देर, तो उसके बाद फिर हम इसमें सूखी हुई मेथी डालेंगे। हमारा सालन जो है वो तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ी सी सूखी हुई मेथी डालूंगी। ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो इसमें सूखी हुई मेथी जाएगी। अब हम इसको निकाल लेंगे। चने का सालन तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।